जब विकिलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था, जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है, द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म, यह आप सबको पता है, जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदंबरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था, यह कोई संयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया, और बाकी कई नेताओं ने उसके पश्चात सैफरन टेररिज्म का प्रयोग किया। यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा। और हमें वो भी याद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किए थे, क्योंकि इंकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं।